नारद जी और ध्रुव के बीच में जो संवाद है उस पर थोड़ा आज हम चर्चा करेंगे। जब नारद जी ध्रुव से मिले तो वे कहते हैं कि हे बालक, अभी तो तुम छोटे से हो और तुम्हारे उम्र के जो लोग बच्चे होते हैं उनकी जो आसक्ति होती है वो किस में होती है? खेल कूद में होती है। फिर तुम्हारे अपने अंदर सम्मान मान या सम्मान की भावना कैसे आ गई? प्रश्न उठा। छोटा सा बालक है, एक सौतेली माँ ने अपमान कर दिया तो छोटे से बालक को अपमान कैसे लग गया? खेल कूदने की उम्र है तुम्हारी। सामान्य रूप से जब बच्चे को बदमाश कहा जाता है, छोटे बच्चे का तो बदमाश है, तो बच्चा क्या बोलता है? ना, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं तो अच्छा बच्चा हूँ। हमारे घर पर जब हम भरत को बोलते तो तू नटखट है बहुत, यू आर ए बैड बॉय, तो बोलते ना आई एम ए गुड बॉय। तो स्वाभाविक रूप से उनको उसका जवाब ये आता है। तो उसको यदि उसको दाड़ दिया जाए, उसका अपमान किया जाए, वो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत लाइटली लेता है। तो इसी प्रकार उम्मीद तो ध्रुव से भी यही थी, लेकिन ध्रुव जो था, किंतु ध्रुव जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, तो उस कारण से क्षत्रिय जोश के कारण वो जो उसको अपमान लगा, क्षत्रिय होने के कारण वो अपमानित हो गया। और उस कारण से, और किस कारण से अपमानित हुआ? अपनी माँ ने डांटा, उस बात का अपमान नहीं था, सौतेली माँ ने डांटा। देखिए, अपनी माँ डांट दे तो सहन कर लेती, यहाँ पर अपनी माँ नहीं, यहाँ पर कारण क्या, सौतेली माँ ने डांटा हुआ ध्रुव को। तो उस कारण से, क्योंकि पहले तो ध्रुव के हृदय में दोनों माताओं के लिए प्रेम समान था, क्योंकि डिफरेंस नहीं देख रहे थे, ध्रुव डिफरेंस देख, लेकिन जब सुरुचि ने जब डिफरेंस देखा और जब उसकी माँ को कम लेखा और कहा कि मैं तुम्हारी माँ से श्रेष्ठ हूँ, तब ध्रुव को पीड़ा हुई, तब ध्रुव को अपमान लगा कि मेरी माँ का अपमान किया, मेरा अपमान किया। तब ध्रुव क्रोधित हुए थे। तो नारद जी कहते हैं, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँची है तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें तो क्षत्रिय में भी थोड़ा शास्त्र का अंडरस्टैंडिंग होता है। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय लोगों को शास्त्र के बारे में कुछ पता नहीं होता है, क्षत्रियों को भी सारे शास्त्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। और मुख्य रूप से क्षत्रियों का समाज जो है वो ब्राह्मणों के अधीन होता है, ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में क्षत्रिय अपना काम करते हैं। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा को अपने पूर्व के कर्मानुसार सुख या दुख भुगतना पड़ता है, मान या अपमान भुगतना पड़ता है। तो यदि तुम क्षत्रिय हो भी तो तुम्हें इसका ज्ञान अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। फिर ध्रुव विचार करता है, हाँ ठीक है, इसका अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ, मेरे प्रारब्ध अनुसार मुझे मिला हुआ है, ये जो दुख है, जो पीड़ा मिली है मुझे, मेरे प्रारब्ध अनुसार है, मैं समझ रहा हूँ। नारद जी कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वो इस गति को स्वीकार करे, किस गति को, जिस भी स्थिति में वो है उसको स्वीकार करे, और अनुकूल या प्रतिकूल जो भी भगवान की इच्छा से उसके जीवन में जो कोई भी समस्या आती है, अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, दोनों स्थिति में ये विचार करने के भगवान की कृपा से मुझे ये मिल रहा है। सो महर्षि नारद ध्रुव को ये शिक्षा दे रहे हैं कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य को संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे जाके ध्रुव महाराज से कहते हैं कि तुम्हें जो तुम्हारी माँ ने उपदेश दिया है भगवत प्राप्ति करने का, वो उपदेश सही है, लेकिन भगवत प्राप्ति इतनी सहज नहीं है,
जो तुम विचार कर रहे हो कि तुम वन में चले जाओगे और वन में तुम्हें रेडीमेड कोई टेम्पल मिलेगा, कुछ मिलेगा, आज प्रभुपाद जी की कृपा से सब कुछ सुलभ है। आप कहीं भी चले जाइए, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए, तो भक्तों को भक्ति कंटिन्यू करने का अवसर है। ये बहाना नहीं दे सकते कि अमृतसर से लंदन चले गए तो लंदन में मंदिर नहीं है। प्रभुपाद जी की कृपा से लंदन में मंदिर सुलभ है, यूएस में जाइए यूएस में सुलभ है, ऑस्ट्रेलिया में जाइए ऑस्ट्रेलिया में सुलभ है, और एक दो नहीं बहुत सारे मंदिर है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से आज सब जगह सुलभ है, इसलिए कोई भक्त ये नहीं बोल सकता कि अरे मैं तो विदेश में हूँ, यहाँ पे भक्त यहाँ पे प्रसाद कैसे मिलेगा, ये नहीं होगा। प्रभुपाद जी की कृपा से सब सुलभ हो गया है। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि बहुत सारे ऋषि मुनि लोग कई सारे वर्षों तक ध्यान लगाए बैठे हैं, और वे लोग भगवान के चरण कमलों को अपने मन में लाने का प्रयास करते हैं लेकिन ला नहीं सकते। कि भगवान का भी एक स्वभाव है, भगवान को कोई ज्ञान मार्ग से या कर्मकांड से इत्यादि से अगर पकड़ने का प्रयास करता तो भगवान ऐसे हाथ में आते नहीं हैं। पूर्व के जो ऋषि मुनि लोग थे, बहुत सारे ऋषि लोग थे, वे लोग भक्ति को बहुत तुच्छ मानते थे और अन्य जो विधियाँ है उसको क्या करते थे, उसको ज़्यादा महत्व देते थे। उस कारण से होता क्या था, भक्ति को तुच्छ मानने के कारण, ये लोग तप इत्यादि को बहुत बल देने के कारण, ये लोग वर्षों हजारों वर्षों तक ये लोग तपस्या में लगे रहते थे लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि भक्ति का मिश्रण नहीं होता था, भक्ति उससे जुड़ी नहीं होती थी। वे लोग सोचते थे कि भक्ति, केवल भक्ति करने से कैसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भक्ति इतनी सरल है, क्या सरल इतनी सहजता से भगवान उपलब्ध हो जाएंगे? हाँ नहीं नहीं, उनका विश्वास ही नहीं होता था। इस कारण से हम लोग सुनते थे कि हजारों वर्षों तक ऋषि लोग तपस्या करते थे और तपस्या करने के बाद ही फॉल्डन हो जाता था। लेकिन कलयुग में हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कलयुग में और कोई साधन काम ही नहीं करता है। कोई ध्यान लगाने बैठेगा तो सारे क्रिकेट मैचेस, पिक्चर के गाने सारे याद आ जाएंगे। तो कलयुग में केवल एक ही उपाय है, वो भक्ति। और भक्ति किस दुकान में मिलती है? हाँ, भक्ति कहाँ प्राप्त होती है? हाँ, भक्ति प्राप्त होती है साधुओं के पास। साधुओं की कृपा से हमें भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति का सोर्स क्या है? श्रीमद् भागवतम। जब हम साधुओं के पास जाते हैं तब हमें क्या करना चाहिए? उनसे भगवत विषयक प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन हम साधुओं के पास जाते हैं, अगर अवसर मिलता है साधुओं के पास जाने का, तो हम कैसे प्रश्न पूछते हैं कि आज अमृतसर में बहुत गर्मी है, आज शेयर मार्केट का ये हाल है, आज वो हाल है, ये हाल है, दुनिया भर की खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ हम उनको दे देते हैं। लेकिन हमारे जो वास्तव में जिज्ञासा करनी चाहिए वो भगवत विषयक जिज्ञासा हम करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते नहीं हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं वही प्रश्न आएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। तो जब इसी में मन रचा पचा है तो यही सारे प्रश्न रहेंगे, सांसारिक प्रश्न रहेंगे। लेकिन जब हम नियम से भागवत को एक दो घंटा सुनेंगे, भले ऑडियो टेप में क्यों ना हो, सुनेंगे नित्य रूप से आधा पौना घंटा एक घंटा पढ़ने का प्रयास करेंगे, तब जब पढ़ने जब अध्ययन करेंगे तब जाके प्रश्न निकलेंगे। अध्ययन करने जाएंगे तब डाउट आएंगे कि भैया यहाँ ये ऐसा कैसे हो गया, तो फिर तब फिर उन प्रश्नों को लेकर हमें कहाँ जाना चाहिए, साधुओं के पास जाना चाहिए और अपने संदेह को, अपने जो संदेह उसका समाधान करना चाहिए। लेकिन हम जब साधुओं के पास जाते हमारे पास कोई प्रश्न ही नहीं होता है, और साधु पूछते भी हमें कैसे हो, फर्स्ट क्लास, दुनिया भर की समस्याओं के साथ हम लोग जूझ रहे हैं लेकिन हम बताते हैं, प्रदर्शन करते हैं एकदम फर्स्ट क्लास। तो साधु क्यों आपकी मदद करेंगे जब वह फर्स्ट क्लास है? जब आपकी समस्या है, आपको जाल, जब हमें जाल की अनुभूति नहीं हो रही है, तब साधु हमें क्यों प्रयास करेंगे जाल से निकालने का?
बोलना कि मैं जाल में हूँ अलग बात होती है, और जाल का अनुभव करना अलग बात होती है। हम संसार में है, संसार बंधन में है, इसका अनुभूति अलग बात होती है। वो अनुभूति होगी नित्य रूप से श्रवण कीर्तन इत्यादि करने से, हमें अनुभूति होगी कि हम जाल में हैं। तब वो जाल में जब है व्यक्ति, तब निकलने का प्रयास करेगा। जब व्यक्ति जेल में जाता है, तब जेल में जाने के बाद उसको रियलाइजेशन आता है कि मैं जेल में हूँ, अब निकलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति कि जेल में ही सुख मान रहा, हाँ क्या लग्जरी है, कोई टेंशन नहीं है, सब रेडीमेड खाने को मिल रहा है, कुछ टेंशन नहीं, बस रहो सुख से रहो, तो व्यक्ति अगर जेल में रहने के बाद भी सुख का अनुभव करे, हाँ तब उसका क्या, उसको तो उससे क्या कहना, क्या कहा जाए उसके लिए। तो हमारी वही स्थिति, हम लोग जेल में है, जाल में है, हाँ लेकिन हम लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो जेल से निकलने का प्रयास करना चाहिए, और साधुओं का आश्रय करना चाहिए, उनसे भागवत सुनना चाहिए, भागवत को अपने जीवन बनाना चाहिए। तीन प्रकार से भागवत की सेवा होती है, सिंपल है, आसान तरीका है, सुनना, भागवत को सुनना, भागवत को पढ़ना, और जो सुना है, जो पढ़ा है, उसको गाना, उसको लोग समाज के बीच में, अपने भक्तों के समाज में उसको गाना। कितना आसान है, केवल इतना करने मात्र से कर्मबंधन समाप्त हो जाएगा। विधि बहुत सरल है, श्रवणम, श्रवण करना है, अध्ययन करना है, और कीर्तन करना है। इतना करने मात्र से, तीन कार्य करने मात्र से हमारा कर्म बंधन समाप्त हो जाएगा। तो नारद जी यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं ध्रुव को, परीक्षा ले रहे हो कि भक्ति योग की, बता रहे कि भक्ति योग जो सरल भी है और कठिन भी है। यहाँ पे नारद मुनि ध्रुव की परीक्षा ले रहे हैं। क्यों, क्या परीक्षा ले रहे हैं, कि वो देखना चाहते हैं कि इसका कितना दृढ़ संकल्प है। निकला तो है बच्चा, क्षत्रिय भी है, लेकिन दृढ़ संकल्प कितना है भगवत प्राप्ति के लिए, ये टेस्ट कर रहे हैं। किसी भी आध्यात्मिक गुरु को अपने शिष्य को टेस्ट करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि जब उसको, जैसे एक स्कूल में जाते हैं, हम लोग एग्ज़ाम देते हैं ना, सेवन्थ से एट्थ ग्रेड में जाने के लिए एग्ज़ाम देकर ही पार होते हैं, तो उसी तरह से आध्यात्मिक गुरु भी परीक्षा लेते हैं। तो यहाँ पर नारद जी परीक्षा ले रहे हैं ध्रुव की, तो शिष्य बनाने की विधि है। तो नारद मुनि ध्रुव के पास भगवान के आदेश से दीक्षा देने के लिए आए थे, भगवान की इच्छा थी कि वो ध्रुव गुरु के पास जाए, तो सहजता से जाकर बोलते थे, जाके मंत्र ले ले निकल जा, जा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, वो परीक्षा ले रहे थे। वे शिष्य स्वीकार करने की पद्धति होती है। भक्ति सिद्धांत सरद ठाकुर को भी दीक्षा इतनी आसानी से नहीं मिली, पहली बार गए गौरकेश्वरदास बाबा जी महाराज के पास, दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, कई बार जाने के पश्चात फिर गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज की उनकी कृपा प्राप्त हुई। आप लोग भी कष्ट उठा रहे हैं तो भगवान निश्चित आप पर लोगों को कृपा जल्दी करेंगे। तो वो देखना चाहते हैं कि कितना दृढ़ संकल्प व्यक्ति है ध्रुव, और वो परीक्षा में पास हो जाता है ध्रुव, लेकिन परीक्षा लेना अनिवार्य था इसलिए ले रहे थे। उसके बाद नारद जी कहते हैं कि भौतिक कल्मश से विरक्त रहना चाहिए और अपने को निरंतर समाधि में स्थित करना चाहिए, और विविध प्रकार की तपस्या करके भगवत, जो विविध प्रकार की तपस्या करके जो योगी लोग भगवान को प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, वे लोग नहीं प्राप्त कर सकते, तो तुझे कैसे जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। तो ये बार बार इसको समझा रहे हैं कि उसको प्रिपेयर कर रहे हैं कि लक्ष्य बहुत कठिन है, और टेस्ट किया जा रहा है कि तू कर पाएगा। देखिए, अमृतसर में हो या कहीं पे भी हो, यदि हमें भगवान को प्राप्त करना है तो हमें बहुत सहज सरल उपाय मिला हुआ है, 16 माला जप करना और भागवत का आश्रय ग्रहण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये करना ही करना है। 16 माला हम जप करते हैं सुबह नियम से, तो जिस तरह से 16 माला जप करते हैं,
तो भागवत भी वैसे वैसे वैसा ही जीवन बना लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत में बहुत सारे वैष्णव आचार्यों का जीवन चरित्र रखा गया है, भगवान का ही नहीं अपितु कितने सारे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, पांडव, इतने सारे महान भक्तों का उसमें चरित्र रखा गया है। तो यदि हम लोग बारंबार ऐसे महान भक्तों के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, उनके बारे में बोलेंगे, तब क्या होगा? धीरे धीरे उनके जो भगवदीय गुण है, किनके? प्रहलाद महाराज के, ध्रुव महाराज के, जो महान भक्तों के जो भगवदीय गुण है, वो हमारे अंदर आ जाएंगे। जैसे उनके अंदर भगवान को प्राप्त करने की लालसा है, वैसी लालसा हमारे अंदर भी उदित हो जाएगी। कब? जब हम ऐसे महान वैष्णव का चरित्र रोज सुनेंगे। इसलिए कहा जाता है नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन। नित्यम का अर्थ सुबह का एक घंटा या शाम को एक घंटा नहीं, नित्यम 24 घंटे नित्य भागवत की सेवा में रहना चाहिए। अपने गुरुजनों के, वरिष्ठ वैष्णवों के आदेशों का पालन करना, ये भी भागवत की सेवा है। और भागवत का श्रवण इत्यादि करना, ये भी भागवत की सेवा, दोनों जीवन में होना चाहिए। और नारद जी कहते हैं, इसलिए हे मेरे, हे बच्चे, तुम्हें भगवत प्राप्ति का जो प्रयास कर रहे हो उसको छोड़ दो, क्योंकि बहुत कठिन लक्ष्य है, और घर चले जाओ। और थोड़े समय के बाद, अर्थात कुछ समय बीत जाएगा, अभी जाओ खेलो कूदो, पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, जॉब करो, नौकरी करो, शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद रिटायर हो जाना। रिटायर होके तब देखना कैसे होता है। हा? अभी तुम टेंशन छोड़ दो। सामान्यतः क्या होता है कि चार प्रकार के हमारे वर्णाश्रम की पद्धति है। पहले ब्रह्मचारी आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम है। तो ब्रह्मचारी आश्रम में गुरु के अधीन रहकर शिक्षा प्राप्त की जाती है। उसके बाद उसे सुविधा दी जाती है कि यदि या तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत का पालन करे, या फिर गृहस्थ धर्म, गृहस्थ जीवन का पालन करे। फिर 50 साल तक उसे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए छूट दी जाती है। उसके पश्चात 50 साल के बाद उससे उम्मीद की जाती कि वो तपस्या करे। वानप्रस्थ आश्रम का धर्म है तपस्या। 50 साल हो जाएंगे उसके बाद हम सबको तपस्या का रास्ता पकड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है वो दूषित हो चुकी है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम लोगों ने बहुत सारे इंद्रिय भोगों को भोगा है। हमारी इंद्रियों को हमने इंद्रिय तृप्ति के कार्य के लिए खर्च किया है। अब जो समय है, 50 साल के बाद का समय है, वो केवल तपस्या करना है। तपस्या का अर्थ है अधिक से अधिक माला जप करना, अधिक से अधिक समय भगवान के गुणों को सुनना, पढ़ना, और कोई भी सांसारिक बात नहीं करनी, कोई भी दूर की चर्चा नहीं करनी है। और ऐसा करते करते अपने आप को स्थिर करते हुए, तपस्या के मार्ग से करते हुए, स्थिर करते हुए, फिर व्यक्ति को संन्यास, भले संन्यास नहीं ले, लेकिन 75 साल के बाद अगर जिंदा है तो फिर 75 साल की आयु के बाद उसको क्या करना चाहिए? चित्त की एकाग्रता पर पूरी तरह से निर्भर रहना। चित्त की एकाग्रता, भगवान में पूरी तरह से चित्त लगना चाहिए 24 घंटे। तो ये चार आश्रमों की विधि है। तो नारद जी ये उपदेश कर रहे हैं उसे कि अभी जाओ ब्रह्मचारी आश्रम में जाओ, फिर गृहस्थ बनो, वानप्रस्थ बनो, संन्यास ले लो। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि जो बचपना है, जो बचपन के जो दिन है, वो खेलने कूदने में होने चाहिए, जवानी है वो एन्जॉयमेंट में बितनी चाहिए, और जब बुढ़ापा आएगा तब देखेंगे भजन करने की बात। लेकिन जो सीरियस भक्त है, जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन को समझते हैं, सुना है साधुओं के मुख से, सुना है भक्ति के विषय में, सुना है, उन लोगों के लिए जो गंभीर है, जो साधक गंभीर है, उन लोगों के लिए ये नहीं है। जब भी भगवान के विषय में हमें पता चले, उस क्षण से अपने आप को भगवान के चरण कमल में समर्पित कर देना चाहिए। खटवांग महाराज यहाँ के राजा थे, पृथ्वी के राजा थे, लेकिन इतने क्वालिफाइड थे
कि खटवांग महाराज देवताओं उन देवता लोग उन्हें आमंत्रित करते थे कि आइए और हमारी तरफ से युद्ध कीजिए। तो खटवांग महाराज एक बार गए थे ऐसे ही और युद्ध भी जीत लिए देवताओं के लिए। और युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं के पास जाते हैं, बोलते हैं कि देवता भी देवता उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हे खटवांग महाराज, हमें आपको वर देने की इच्छा है, क्या आशीर्वाद चाहिए आपको, क्या वरदान चाहिए आपको। तो खटवांग महाराज पूछते हैं कि मुझे बस इतना बताइए कि मेरे पास टाइम कितना बचा है। तो ये बोलते हैं कि ये तो आपके जीवन जो पृथ्वी के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत सारा समय तो बीत चुका है, थोड़ा सा समय बचा है आपके पास, एक मुहूर्त दो मुहूर्त बचा होगा, थोड़ा सा समय बचा है। तो खटवांग महाराज बोलते हैं अरे बाप रे, तुमसे कहते कि बिना टाइम जोन का प्रॉब्लम किए मेरे को इमीडिएटली नीचे पहुँचाओ, क्योंकि ऊपर से नीचे आने तो टाइम लगता है ना, अमेरिका से इंडिया में आने में कितना समय बर्बाद हो जाता है। तो कहते कि बिना टाइम जोन का प्रॉब्लम किए मुझे तुरंत नीचे पहुँचा दो। तो खटवांग महाराज को तुरंत देवता लोग नीचे पहुँचा देते हैं और खटवांग महाराज उसी क्षण अपना चित्त भगवान में स्थिर करते हैं, अपने शरीर को त्याग देते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि उनको लेने के लिए प्लेन भगवान के धाम से विमान आता है और खटवांग महाराज उस पर आरूढ़ हो जाते हैं और वे अपने वो देवताओं के लोगों से जिन देवताओं की उन्होंने सहायता की थी वही देवता लोग फूल लेके खड़े होते हैं और उन्हें उनको जाते हुए देखते हैं। तो नारद मुनि ध्रुव महाराज की परीक्षा लेने के लिए ऐसा उपदेश कर रहे थे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जब भी भगवान के बारे में सुने कि भगवान को समर्पित करना चाहिए, उसी क्षण से दृढ़ संकल्प करके अच्छे से भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। आगे जाके नारद जी कहते हैं मनुष्य को चाहे जीवन की किसी भी अवस्था में, चाहे सुख में हो या दुख में, जो भगवान की कृपा से उसके जीवन में स्थिति उपस्थित होती है, मनुष्य को चाहिए कि वो उसको स्वीकार करे, अपना भगवान की कृपा समझकर स्वीकार करे, भाग्य समझकर स्वीकार करे। तो जो मनुष्य इस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है उसके जीवन वो अंधकार को सहजता से प्राप्त कर ले, अंधकार के पार हो जाता है, अर्थात वो कभी अज्ञानता में नहीं रहता। जब सारे कार्यों में व्यक्ति भगवान का ही हाथ देखता है, अच्छा हो या बुरा हो, तो उसके जीवन में अंधकार नहीं होता। लेकिन वो ऐसी स्थिति तभी आएगी जब हम नित्य नियम से भगवान का श्रवण कीर्तन इत्यादि करेंगे, फिर हर एक कार्य में हम शास्त्र के मार्गदर्शन से हम लोग वो कार्य करेंगे। नौकरी भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, तो ये भावना धारणा बनी रहेगी कि ये मैं भगवान की सेवा के लिए कर रहा हूँ, हमारे घर पे ठाकुर जी है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो ये धारणा आना डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम लोग सुबह सुबह निकलने से पहले, ऑफिस के लिए निकलने से पहले या बिजनेस के लिए जाने से पहले, निकलने से पहले अपने आप को पूरी तरह से भागवत में नाम जप तो करना ही है, हरिना सोला माला जप करके निकलना ही चाहिए, और भागवत भी पढ़ के निकलना चाहिए इसी तरह से। और दिन भर काम करते वक्त उसका चिंतन कर सकते हैं कि आज मैंने क्या पढ़ा था, उसका चिंतन करते दिन बीतना चाहिए। फिर रात को आएंगे तो रात को चैतन्य चरितामृत पढ़िए, सुबह भागवत को दीजिए, रात को चैतन्य चरितामृत को पढ़ दीजिए। तो इस तरह से अध्ययन करते रहना चाहिए और ऐसे अध्ययन करते रहेंगे तो ये धारणा बनी रहेगी कि हाँ, कि मैं भगवान का दास हूँ, क्योंकि बार बार सुनेंगे जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और ये सब संसार क्षणिक है, टेम्पररी है, तो मैं कार्य किसके लिए कर रहा हूँ, ये एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, परिवार के लिए जो मेरा जो मुझे जो कार्य करना है, तो भगवान का परिवार है, ये मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ये धारणा हमेशा बनी रहेगी। फिर नारद जी एक बहुत ही सुंदर उपदेश देते हैं। ये उपदेश अगर हम अपने जीवन में पालन करें तो हम त्रिताप से मुक्त हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं गुना अधिकात मुदम लिप्सेत। यदि हमें ऐसे व्यक्ति का संयोग मिले जो हमसे अच्छा है, गुणों में अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या करना चाहिए, हमें जॉयफुली अर्थात आनंद के साथ उसको स्वीकार करना चाहिए।
फिर कहता है अनुक्रोशम गुण अधमात, अर्थात गुणों में यदि अधम है कोई व्यक्ति, हमसे कम है, तो उस पर दया करनी चाहिए। और मैत्रीम समानात, जो मित्र है, जो समान वाले हैं, जो समान वाले अगर ऐसे आपको कोई मिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए, उसको उसको मित्र बना लेना चाहिए। तो तीन प्रकार के सीक्रेट्स यहाँ पर नारद जी दे रहे हैं ध्रुव महाराज को। यदि हमारी स्थिति क्या है, जब हमें हमसे वरिष्ठ व्यक्ति कोई मिलता है तब हम क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं, अरे कि मुझसे कैसे क्वालिफाइड निकल गया, 20 साल मुझे हो गए, हाँ अरे मुझसे इतना बड़ा पंडित बन गया है, ऐसा कैसे हो गया। यदि हमें हमसे कम गुणों वाला कोई व्यक्ति मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसे सप्रेस कर देते हैं, कॉम्प्रेस कर देते हैं, उसको डिप्रेस कर देते हैं। और यदि हमें कोई हमारे समान वाला व्यक्ति मिल जाता है तो बस हम अपने गुणों को गाने लगते हैं, अपने गुणों को गाते हैं, मित्रता करना तो दूर रही, कोई समान वाला मिल गया तो बस अपनी बड़ाई चालू। ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं कोई बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने जो एग्जाम्पल दिया वो मैं दे रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता कैसे होनी चाहिए, यदि हमें हमसे कोई ऐसा भक्त मिल जाए जो हमसे बहुत अच्छा है तो उसका स्वागत करना चाहिए, उसके उससे बहुत आनंद के साथ स्वीकार करना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा है इस पर, काश भगवान मुझ पर भी ऐसी कृपा करे कि मुझ में भी ऐसा गुण आ जाए। जब हमें कोई हमसे कम गुणों वाला व्यक्ति मिलता है, नया भक्त है, प्रयास कर रहा है, तो उसको उसका उत्साहवर्धन करना चाहिए, उसको एनकरेजमेंट देना चाहिए कि भाई चल ऊपर, उसको समझाना चाहिए, प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए, हम जिस प्लेटफॉर्म पर है, हम जिस स्तर पर है, उसको उस स्तर पर लाने का प्रयास करना चाहिए। और यदि हमें कोई हमारे सम वाला मिल जाए तो उससे मित्रता करनी चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसा करने वाला व्यक्ति तेताप से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए संसार में ईर्ष्या द्वेष करने लायक कुछ बचेगा ही नहीं। आप खुद विचार कीजिए ना, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी है, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। नारद मुनि का ये जो उपदेश आप कहीं भी अप्लाई कीजिए, सुखी रहेंगे आप। ये सुखी रहने का संसार में ये सहज उपाय है। सुन लिया नारद जी की बात को, अब ध्रुव महाराज क्या कहते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे नारद जी, आपने मन की शांति का बहुत अच्छा उपाय बता दिया, वाह, आपने मुझ पर जो कृपा की है, मुझे जो शिक्षा दी है वो बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे योग्य वो शिक्षा नहीं है, मेरे लायक वो शिक्षा नहीं है, क्योंकि मेरा हृदय इस समय पीड़ित है। किस कारण से पीड़ित है, मेरी सौतेली माँ ने मेरा अपमान किया है, मेरी माँ का अपमान किया है, तो इस कारण से मैं पीड़ित हुआ, और जो पीड़ित है मुझे इस समय केवल और केवल एक ही सूझ रहा है, मुझे इस घटना का बदला लेना है। इसलिए आपके जो अच्छे अच्छे उपदेश है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, वो मेरे लायक नहीं है। तो नारद जी की बात को ध्रुव महाराज ने अभी धीरे धीरे काट रहे हैं कि मुझे ऐसे उपदेश मत दीजिए, वापस चले जाओ, सबको बड़ों को ऐसा देखो, छोटों को ऐसा देखो, मित्रों के साथ ऐसा व्यवहार करो, ये सब उपदेश ठीक है, आप सबके लिए ठीक है, मेरे लिए नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया व्यक्ति हूँ, और क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, उसको जैसे शेर होता है घायल हो जाता है तो फिर उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, वो तो अपने शिकार करेगा ही करेगा। इस तरह से मैं एक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ, तो इस समय मुझे केवल एक ही सूझ रहा है कि मुझे किस तरह से बदला लेना, और बदला मैं अपनी सौतेली माँ को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। नारद जी ध्यान रखिए, हाँ उसने मेरा अपमान किया, लेकिन मैं सौतेली माँ के विरोध में कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे वो पद चाहिए, ऐसा पद चाहिए
जो मेरे जिसका सौभाग्य मेरे पिताजी को नहीं मिला हो, पिताजी के पिताजी को नहीं मिला हो, ब्रह्मा जी तक को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला हो, मुझे वो सौभाग्य चाहिए। मैं किसी को आई वॉन्ट टू मेक माई ओन वे, मैं किसी का अपराध नहीं कर रहा हूँ, ना ना ना, सौतेली माँ के प्रति मुझे कुछ नहीं है, उसने जो बोला बस उसे करना है, मुझे ऐसा पद चाहिए। और आपकी जो ये महत्वपूर्ण टीका है जो आप शिक्षा दे रहे, ये मेरे हृदय में टिकने वाली नहीं है। नारद जी ध्रुव महाराज कहते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ध्रुव महाराज ने नारद जी की बात को काट दिया, डायरेक्टली काट रहे थे, लेकिन नारद जी समझाना चाहते थे कि चार प्रकार की मानवीय वृत्ति है, एक ब्राह्मण की है, एक क्षत्रिय की है, एक वैश्य की और एक शूद्र की है। एक जाति की वृत्ति आप दूसरे जाति को नहीं अप्लाई कर सकते। आप जो समझा रहे हैं वो ब्राह्मणों के लिए ठीक है, लेकिन मैं ठहरा क्षत्रिय, तो मेरे लिए ये वृत्ति लागू नहीं होने वाली है, मेरे लिए ये मुझे मेरे पल्ले नहीं आने वाला है। तो आप नारद जी, आप ये उपदेशों का जो घटरा है आपका, वो आप अपने पास रखिए। तो अब प्रश्न आएगा कि अच्छा, तुझे मेरी बात को नहीं मानना, तो तुझे आप क्या चाहिए? तो नारद जी को उत्तर, आपने मेरी बात को काट दिया, ध्रुव महाराज ने नारद जी की बात को काट दिया, तो नारद जी स्वाभाविक रूप से पूछ रहे हैं कि अब तुझे क्या चाहिए? तो मुझे, हे नारद जी, आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है और आप पर भगवान की विशेष कृपा है, आप सूर्य के समान हैं। देखिए, नारद जी कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, नारद जी चाहते तो इतना सामर्थ्य नारद जी रखते हैं कि नारद जी ध्रुव को ध्रुव पद नारद जी खुद भी दे सकते थे, इतना सामर्थ्य नारद जी में भी है। किसी को भगवान के धाम पहुंचाना है तो नारद जी पहुंचा सकते थे, इतना सामर्थ्य है नारद जी में। तो नारद जी, ध्रुव जानता था कि अगर मुझे भगवान को प्राप्त करना है तो मुझे नारद जी जैसा कोई व्यक्ति चाहिए, व्यक्तित्व चाहिए। नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है, भगवान के महान भक्त है, सारे संसार में इनके डिसाइपल्स हैं। तो अगर मुझे अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे सुगम उपाय क्या है? नारद जी का आश्रय ग्रहण करो। लेकिन नारद जी का आश्रय तो कैसे ग्रहण करो? तो दुनिया भर के उपदेश दे रहे हैं जो मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। तो इसलिए ध्रुव महाराज ने उनकी बात को काट दिया और कहते कि मेरे हृदय को जो सहायता, मुझे जो मेरी सिचुएशन को देख के उपदेश कीजिए ना, ऐसा उपदेश क्यों कर रहे हैं आपकी जो मेरे को सूट नहीं होता है? मेरे को नहीं जाना है घर पे, मैं जिस कार्य के लिए घर से बाहर निकला वो मेरी वापस जाके मेरी बेइज्जती करवाएंगे क्या? मुझे भगवान को प्राप्त करने के लिए जाना है, तो उसमें मेरी सहायता कीजिए आप। तब नारद जी, देखिए, भगवान अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे, जब अर्जुन हताश हो गए, युद्ध शुरू होने के पहले शंखनाद हो चुका था, दोनों तरफ से शंखनाद हो चुका था, और अर्जुन के हृदय में ये लालसा हो गई कि भगवान, मुझे देखना है कि कौन से लोग मुझे मारने के लिए आए हुए हैं। तो भगवान बोले, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। तो भगवान ने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले लिया और भगवान खड़े होकर, सारथी थे, खड़े होकर समझा रहे थे अर्जुन, वो देखो भीष्म पितामह, वो देखो द्रोणाचार्य, वो देखो, वो देखो, वो देखो, तो सब तुम्हारे सगे संबंधी थे। अर्जुन ने देखा कि मेरे सगे संबंध, जिनके साथ मैं खेला हूँ, कूदा हूँ, जिनके गोदी में मैं खिला हूँ, उन भीष्म पितामह, जिसने मुझे धनुष बाण उठाना सिखाया, वो द्रोणाचार्य जी आज मुझसे लड़ने आए हैं, वो दुर्योधन इत्यादि सारे मेरे भाई मुझसे लड़ने आए हैं। अरे मुझे एक किसके लिए? एक छोटे से राज्य के लिए? तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए, तो मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। तो और अर्जुन ने भगवान से कह दिया कि मुझे ऐसा युद्ध भी नहीं करना है। तो भगवान बोले, अच्छा, युद्ध नहीं करना है? देखो देखो प्रभु, मेरे हाथ से मेरा गांडीव नीचे गिर रहा है। तो भगवान बोले, वाह भाई, अद्भुत,
तुम्हें तुम्हारा गांडीव पहले नहीं गिरा, तुम तो बड़े बड़े वचन लेते थे कि मेरा गांडीव अगर मुझे कोई नीचे रखने के लिए बोल दे तो मैं उसको जान से मार दूँ, बड़े बड़े तुम्हारे डायलॉग थे, और यहाँ पर तुम्हारा गांडीव तुम्हारे हाथ से गिर रहा है, तो मैं अनाउंस कर दूँ कि युद्ध नहीं करना है, बोल दो। युधिष्ठिर महाराज को बोल देता हूँ कि अर्जुन ने निर्णय लिया कि अर्जुन को संन्यास लेना है, अर्जुन को युद्ध नहीं करना है। तब अर्जुन कन्फ्यूज़ हो जाता है, तब अर्जुन क्या कहता है, कार्पण्य दोषो कहत स्वभावा पृष्यामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत्ता य श्रेयशा निश्चितम रोहितन में शिष्यस्ते हम शादी माम तुम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं आपका आश्रय ग्रहण करता हूँ, कृपया करके मुझे उपदेश दीजिए। तब भगवान उपदेश करते हैं, देखिए भगवान चाहते तो अपने एक सुदर्शन से सारा युद्ध ऐसे ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, और उपदेश से भगवद गीता का उपदेश सुनने के बाद अर्जुन भगवान से कहता है कि प्रभु आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, करिष्ये वचनम तव। भगवान बोले थे कि युद्ध तो रुक गया है, अगर पूरी भगवद गीता को दोबारा रिपीट करना है तो बोल दे रिपीट कर दूंगा, लेकिन तू समझ गया? बोला हाँ प्रभु, जो आप बोल रहे वही धर्म और वही करना चाहिए। तो बोलिए अब क्या करना है। बोले उठाओ धनुष और युद्ध करो। तो उसी तरह से जिस तरह से भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करवाया अर्जुन से, उसी तरह से यहाँ पर ध्रुव भगवान, अगर नारद जी चाहते तो ध्रुव महाराज को ध्रुव का पद तुरंत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसे उपदेश दिया भक्ति करने का। और भक्ति करने का उपदेश में उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई, तो उनका धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करते कि ध्रुव महाराज को क्या उपदेश दिए। ध्रुव महाराज को उन्होंने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान दिखते कैसे हैं। अब ध्रुव महाराज ने कभी भगवान को देखा नहीं था, सुना भी नहीं होगा भगवान कैसे थे, माँ के मुख से तो सुना था नारायण की प्राप्ति करेंगे, नारायण दिखते कैसे हैं, ये नारायण दिखते कैसे हैं, ये क्या कपड़े धारण करते हैं, कि कैसा उनका वर्ण है, तो ये सब पूछना था उनको, बताना था नारद जी को। तो नारद जी ने धीरे धीरे करके ध्रुव को उपदेश करना प्रारंभ किया। लेकिन नारद जी पहले बताते हैं कि नारद की बेटा ध्रुव, तुम्हारी माँ ने जो तुम्हें भक्ति करने का जो उपदेश दिया है वह सही उपदेश किया हुआ है, तुम्हारी माँ की बात का, तुम्हारी माँ की आज्ञा का पालन करो, दृढ़ निश्चय करके, दृढ़ संकल्प करके मधुवन जाने की तैयारी करो, मधुवन भगवान का धाम है और वहाँ पर जाने की तैयारी करो। तो नारद जी कहते हैं कि वहाँ पर जाके मुझे करना क्या है, मैं वृंदावन तो चला गया लेकिन वहाँ पर जाके करूँ क्या। तब ध्रुव महाराज को नारद जी मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र देते हैं। और मंत्र दीक्षा देने के पश्चात नारद जी भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, और ध्रुव महाराज से क्या कहते हैं कि जप करते वक्त भगवान का ध्यान करो। हम लोग जप तो करते हैं लेकिन जप करते वक्त भी भगवान का ध्यान नहीं होता है, भगवान का स्मरण नहीं होता है। तो यहाँ पर ध्यान की विधि बताई गई है, भगवान के सामने भगवान का श्रृंगार, कितना सुंदर भगवान का श्रृंगार होता है। यहाँ पर अमृतसर में कई घरों में मैंने देखा है कि बहुत अच्छे से भगवान के प्रेम पूर्वक सेवा की जाती है। तो भगवान के दर्शन करने चाहिए और उनका जो श्री विग्रह है वो हृदय और मन में ढस जाना चाहिए। तो दर्शन करने की एक विधि है, भागवत में लिखी गई है, वो है नख, भगवान के नख से प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे करके भगवान के घुटनों तक, फिर धीरे करके कमर तक, उसके बाद भगवान के अलग अलग अंगों का ध्यान करते हुए फिर मुख पर जाना चाहिए, और फिर भगवान के इसी तरह से राधा रानी का भी दर्शन करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को नख से स्टार्ट करना चाहिए, और धीरे करते और आप काफ़ी समय तक इस तरह से भगवान का नाम जप करते 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 भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और धीरे धीरे नाम तो जप कर रहे हैं और भगवान की तस्वीर, भगवान का विग्रह सामने है, तो इससे आपका जो भगवान में चित्त है वो लग जाएगा।
नारद जी इस तरह से भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। अब जब भी भगवान को देखेंगे भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान चाहकर भी भगवान दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद घन है। भगवान एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व है कि जिनसे सारा संसार में जितना सारा आनंद है वो भगवान से निकलता है, और भगवान चाहकर भी दुखी नहीं हो सकते। और विचार कीजिए संसार में जो बद्ध जीव है वो कई कारणों की वजह से दुखी होते हैं। जब घर पे आएंगे और घर पे भगवान का श्री विग्रह होता है तो उनके दर्शन करके जो व्यक्ति का जो दिन भर का जो सारा ताप है, सारा जो कष्ट जो हुआ है दिन भर में, वो सारा समाप्त हो जाता है केवल भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करने से। वास्तव में ये भगवान जो है ये हमारे परिवार के एक सदस्य है। भगवान ने भगवान इस परिवार को अपना मानते हैं, जैसे भगवान युधिष्ठिर महाराज और पांडवों को अपना मानते थे। और क्या करते थे भगवान जो युधिष्ठिर महाराज के घर पे छोटे मोटे कार्य करते थे, जैसे राजस्वीय सभा में जब राजस्वीय सभा हुई थी, जो यज्ञ हुआ था, राजस्व यज्ञ हुआ था, उसमें बहुत सारे ऋषिगण आए थे, तो भगवान स्वयं चप्पल जो साधुओं के जो चप्पलें हैं उन चप्पलों को साफ किया करते थे। भगवान स्वयं भोजन के इंचार्ज थे, भगवान स्वयं अपने हाथों से भोजन परोसते थे, और भोजन परोसते ही नहीं थे, जो साधुओं के जो झूठे पत्तल थे उसको उठाने का काम भी भगवान ही करते थे। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य भगवान करते थे घर पे, क्यों? क्योंकि भगवान को इससे प्रसन्नता होती थी, भगवान को इससे सुख मिलता था। क्यों? क्योंकि भगवान युधिष्ठिर महाराज को अपना मानते थे, अपना मानते थे, और इस कारण से युधिष्ठिर महाराज के परिवार में एकदम एक परिवार के जैसा रहते थे। लेकिन भगवान कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। विष्णु पितामह कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, एषवे भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, ये श्री कृष्ण को तुम अपना मित्र समझते हो, संदेश इसको तुमने संदेश दूत बनाया, पता नहीं तुमने इससे क्या क्या सेवा करवाई, लेकिन जानते हो ये कौन है? ये साक्षात नारायण है, इसलिए जो ये बोलते वो किया करो, यही सारे शास्त्र कहते हैं। इन्हीं के लिए शास्त्र बने हुए हैं, इन्हीं को समझाने के लिए शास्त्र बने हुए हैं। ये तुम्हारे वेदव्यास जी ने जो सारे शास्त्र लिखे गए हैं, ये वेदव्यास जी ने शास्त्र इन्हीं को समझने के लिए लिखे गए हैं। तो उसी तरह से जो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में जब हमारे घर पे होते हैं तो वो एक परिवार का सदस्य बनकर रहते हैं, और फिर आप लोगों का परिवार है तो भगवान ऐसा समझते हैं कि ये परिवार मेरा है, ये मेरा परिवार है। क्यों? कैसे होता है ये? क्योंकि भगवान कैसे समझने लगते हैं, ऐसे क्यों समझने लगते हैं? क्योंकि भक्त लोग सुबह दोपहर शाम उनकी सेवा करते हैं, उनको खिलाना पिलाना उठाना नहलाना सारा कार्य करते रहते हैं। तो भक्त लोग तो आसक्त हो जाते हैं भगवान से, लेकिन भगवान भी भक्त से आसक्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? आध्यात्मिक जगत में जीव जब आध्यात्मिक जगत में जाता है वहाँ पर भगवान की सेवा करता है, तो उसको ट्रेनिंग देने के लिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हम सबके घरों में उपस्थित है, और जो हम सेवा करते हैं वो ट्रेनिंग चल रही है। धीरे धीरे करते करते हमारी आसक्ति भगवान में बढ़ जाती है। अभी हमारे पुत्र से या पति से या पति का पत्नी से जो प्रेम होता है क्यों होता है? एक दूसरे की सेवा करते हैं, उठते बिठते खाते पीते सब समय उनके साथ ही रहते हैं, पुत्रों के साथ रहते हैं, पुत्रों को जो छोटे छोटे रहते हैं तब से उनकी टट्टी साफ करना, उनको नहलाना धुलाना करते 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 बड़े हो जाते हैं, फिर उनमें आसक्त हो जाते हैं,
तो सेम सिद्धांत यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जब घर पे अर्चा विग्रह होते हैं, इसलिए गृहस्थों के घर पे भगवान का होना बहुत अनिवार्य है। सेवा करते 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 क्या हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। जो आसक्ति हमारे पुत्रों में होती है, वैसी आसक्ति भगवान की सेवा करते तो भगवान में हो जाती है। और आश्चर्य की बात यह है कि भगवान की भी आसक्ति हम लोगों में हो जाती है। जिस तरह से भगवान पांडवों को अपना मानते थे, उसी तरह से जब भगवान हमारे घर पे होते हैं तो भगवान उस परिवार के सदस्यों को अपना मानते हैं। ये कहते हैं कि हाँ, ये तलवार फैमिली मेरी है और मैं इस तलवार फैमिली का हूँ। वो अपने आप को सरनेम भी जोड़ देते होंगे उन लोग, कि भाई तलवार फैमिली के हैं। हमारे घर पे गौर नीताई कृष्ण बलराम है, वो लोग तो मैं तो घर पे ये मानते होंगे कि नीताई कुलकर्णी गौर कुलकर्णी कृष्ण कुलकर्णी बलराम कुलकर्णी वे मानते हैं। तो होगा क्या, जब सेवा करते करते भगवान के प्रति हमारी गाढ़ आसक्ति हो जाएगी ना, और मान लीजिए हमारा शरीर छूट जाएगा, तब क्या होगा? तो भगवान हमारी उस सेवा को कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन हमें भगवान की हमारे हमसे इतनी आसक्ति हो जाएगी कि भगवान हमारे बिना रह नहीं पाएंगे। हमारी सेवा के बिना भगवान को याद आएगा, मुझे कैसे पानी देता था ये रोज, कैसे मेरे लिए मुझे सुलाता था, उठाता था। तो भगवान शरीर छूटने के बाद भगवान उसको अपना पार्षदत्व का शरीर देंगे, और उसकी जो सेवा है वो अपने धाम में कंटिन्यू होगी। तो वास्तव में ये भगवान साक्षात भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि वो अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट है। शुरुआत में कभी कभी ऐसा भी स्थिति आती है कि हम लोग भोग लगाते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता है कि भगवान खाते नहीं खाते हैं। लेकिन भक्त लोग समझा देते हैं, भैया घंटी बजा देना और हरे कृष्ण महामंत्र, कुछ नहीं आता तो हरे कृष्ण महामंत्र तो बोल ही दो। तो बेचारा वो जो नया वाला व्यक्ति होता है ना, वो घंटी बजा देता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और फिर उसको विश्वास नहीं कि भगवान खाते हैं लेकिन वो लगा देता है। तो आचार्य लोग लिखते हैं कि भगवान ऐसे व्यक्ति का भोजन भी स्वीकार कर लेंगे, और धीरे 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 रोज सेवा करते 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 भगवान कुछ ऐसा कुछ कर देंगे उसके जीवन में कि उसका दृढ़ विश्वास बैठ जाएगा कि भाई है, भगवान है और मेरी रक्षा करते हैं, मुझे बचाते हैं। ऐसे संकटों में डाल देंगे, ऐसी परिस्थिति में डाल देंगे कि आपको इनका स्मरण हो ही जाएगा, 2400 घंटा इनका स्मरण हो जाएगा। और जिनके घर में इस तरह सुंदर विग्रह है और जिस तरह से इतनी सुंदर सेवा होती है, वो कहीं भी रहे, लेकिन हमेशा यही धारणा रहती है कि राधा गोकुलानंद जी कैसे होंगे। 2400 घंटा वो भगवान का स्मरण रहता है। प्रभु जी बाहर जाते होंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास के साथ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि प्रभु जी का चित्त यहीं पे होता होगा। वो भले ही बड़े बड़े सेमिनार देते हो, लेकिन चित्त तो उनका यही होगा राधा गोकुलानंद के चरण कुंडों में 100%। तो ये भगवान के घर पे रहने का ये बहुत सारे फायदे हैं। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमारे हर एक के घर में भगवान को स्थान देना बहुत आवश्यक है। तो इस तरह से नारद मुनि भगवान के गुणों के बारे में बताते हैं, भगवान का स्वरूप के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि देखने वाले भक्तों को भी वे कभी अप्रसन्न नहीं दिखते, और वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। भगवान तो वेट करते रहते कि कब ये भक्त मुझसे कुछ मांगेगा तो मैं उसको दूं। भगवान वेट करते रहते हैं, भगवान वरदान देने के लिए, भगवान वरदान देने के लिए, श्रीमती राधारानी वरदान देने के लिए तत्पर रहती है कि ये कब हमसे कुछ मांगे हम दे देंगे। सेवा करते तो ऋणी हो जाता है। गोपियों ने ऐसी सेवा की कि बेचारे उनका ऋण चुकाने के लिए इनके पास कुछ नहीं था। और फिर उनके नेत्र, भगवान के नेत्र कैसा है, देखिए भगवान के नेत्र
सुसज्जित भोवे उनकी नासिका तथा चौड़ा मस्तक ये सभी अत्यंत सुंदर है। कितना सुंदर भगवान का मुख है। और वे समस्त देवताओं से, सारे देवताओं से भी अधिक सुंदर है भगवान। तो भगवान के दर्शन करने चाहिए अच्छे से। सेवा तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर, रोज़ थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान को निहारना चाहिए। तो उससे क्या होगा, वो भगवान का जो छवि है वो हमारे हृदय में, मन में उतर जाएगी। देखिए भगवान, हम भगवान को पकड़ नहीं सकते। इस सिद्धांत को हटा दीजिए कि हम अपने बल पर भगवान को अपने मन में कैप्चर कर लेंगे, इस भ्रम में मत रहिए। ना ना, भगवान कृपा करके हमारे मन में अवतरित हो सकते हैं। जब बारंबार हम इस लालसा से भगवान के दर्शन करेंगे कि भगवान कृपा करके हमारे मन में अवतरित हो जाइए, तो वो दया करके हमारे मन में अवतरित होंगे। इसे जैसे भगवान वासुदेव के मन में पहले अवतरित हुए, फिर वसुदेव के मन से भगवान देवकी के मन में गए, फिर वहाँ से भगवान देवकी के घर में प्रवेश किए। तो ये भगवान के मन में आने का स्टाइल है। तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। कोई किसी सिंसियर या ऑनेस्ट भक्त को देखते हैं, जो सच्चाई अच्छे से भक्ति कर रहा है, ऐसे भक्त को जब देखते हैं, जब भगवान दर्शन करते हैं उसका, सॉरी जब जीव उनका दर्शन करता है, तो भगवान देखते हैं ये तो बड़े प्रेम से अच्छे से मेरी सेवा कर रहा, भक्ति कर रहा है। तो फिर भगवान उसके मन में आ जाते हैं, अपनी कृपा से आ जाते हैं। और फिर भगवान का रूप कैसा है, सदैव युवा अवस्था में रहता है। भगवान भगवत गीता में जो उपदेश किया था भगवान ने, वो उस समय भगवान 125 साल के थे, लेकिन कैसे लग रहे थे, एकदम युवा। तो भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं, इस धारणा मत रहिए। वो क्रिश्चियन लोगों का अंडरस्टैंडिंग होता है कि द गॉड इज़ ओल्ड नाउ, हमारे गॉड कभी ओल्ड नहीं होते हैं। हमारे गॉड ऐसे ही है जैसे दिख रहे हैं ना, एकदम वैसे ही सुंदर। उनका शरीर कैसा है, दोष रहित है। भगवान का शरीर कैसा है, भगवान के शरीर में कोई दोष नहीं है। हमारे शरीर में बहुत सारे दोष हैं, इसलिए हमारी जैसी हमारी इस शरीर की जो मानसिकता है, वो भगवान पर नहीं लादनी चाहिए। हमारे शरीर में और हमारे आत्मा में अंतर है, लेकिन भगवान का ऐसी स्थिति नहीं है। और हमारे शरीर में दुनिया भर के प्रॉब्लम्स हैं, भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर सच्चित आनंद है। उनके नेत्र, उनके ओठ उदयमान सूर्य की भांति गुलाबी से है। देखिए भगवान के ओठ कितने सुंदर हैं। और वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं। अगर भगवान के पास आकर रोज समर्पण करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार बोल, हफ्ते में हम लोग तो बोलते नहीं होंगे, लेकिन बोलना चाहिए रोज, प्रभु मैं आपका हूँ और सब कुछ अपने आप, सब कुछ प्रभु मेरा, सब कुछ आपका है। देखिए अगर इस अगर भगवान को अगर रोज समर्पण करेंगे, दंडवत करना क्या होता है, अपना सब कुछ, शरीर पूरा अष्टांग हम लोग भगवान के सामने रखते हैं, सब कुछ समर्पण कर देते हैं। तो ये भावना बोलना चाहिए, भगवान मैं आपका हूँ, हे भगवान मैं पूरी तरह से अपने आप को आपके चरण कमलों में सौंप देता हूँ, कृपया करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये भगवान को रोज़ समर्पण करना चाहिए। समर्पण की जब बात आती है, जब दंडवत प्रणाम की बात आती है, तो विभीषण का स्मरण होता है। रावण को जब लंका मिली, तो रावण को लंका कैसे प्राप्त हुई, बहुत कष्ट हुआ रावण को। शिवजी के सामने अपने दसों सिर को काट कर नीचे रखना पड़ा, तब जाके भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया, रावण को लंका दे दी। अब रावण ने उनके भ्राता विभीषण को अपने राज्य से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। तो विभीषण विचार करने लगा कि अब तो वो ऐसे भी लंका में रहकर भी वो भगवान की भक्ति करते थे, अब तो जब रावण ने निकाल दिया तब कहा कि तो बहुत बड़ा स्वर्ण अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, तब मैं जाकर अब तो समर्पण करूँगा भगवान श्री राम के चरण कमलों में। तो खबर मिल गई किसको, श्री राम के पास खबर पहुँच गई कि विभीषण आए हुए हैं, रावण के भाई विभीषण आए हुए हैं। तो तुरंत इमरजेंसी मीटिंग हो गई, इमरजेंसी मीटिंग बैठ गई कि ये रावण का भाई क्यों आया हुआ है। तो एजेंडा यही था कि क्या करना है इसके साथ। तो किसी ने क्या सलाह दी, किसी ने कहा इसको पकड़ो, सारा इन्फॉर्मेशन लो, मार पीट दो,
किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, तो भगवान ने एक ही कहा। भगवान ने कहा यदि रावण भी मुझे आकर समर्पण कर दे तो मैं उसको भी स्वीकार करूंगा। कोई एक बार जीव, एक जीव अगर मेरे पास इतना आकर कह दे कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपका और आप मेरे हैं, तो मैं उसके अधीन हूँ पूरी तरह से। तो विभीषण जैसे ही भगवान श्री राम के दर्शन करते हैं दूर से, तो विभीषण लंबा दंडवत मार देते हैं, वैसे दूर से समुद्र तट पे ही। तो भगवान मधुर वाणी से बोलते हैं, हे लंकेश आइए। सब लोग आश्चर्य से की तो जाते हैं, लंकेश, लंका में तो रावण अब तक राजा बना हुआ है, लेकिन आप इसे लंकेश क्यों बुला रहे हैं? तब हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस रावण को लंका प्राप्त करने के लिए अपने 10 सिरों को काटकर फेंकना पड़ा, उस लंका को हमारे प्रभु श्री राम ने विभीषण को केवल एक दंडवत करने से दे दिया, एक प्रणाम करने से दे दिया। लंका की संपत्ति उसके अधीन कर दी। जिस लंका से उसे निकाला गया था वो लंका राम ने उसको एक प्रणाम करने से दे दी। अब बोलिए ऐसे प्रभु की कौन आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहेगा? जो भक्त भगवान का आश्रय ग्रहण करता है, बारंबार उनको प्रणाम करता है और उन पर ही आश्रित रहकर अपना बिजनेस करता है, उन पर ही आश्रित रहकर अपना सारा कार्य करता है, उसका उसके जीवन में उसका उसका कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। उसका हमेशा उसके जीवन में वृद्धि ही वृद्धि होगी। और वे जो शरणागत है, शरणागत भक्तों को वे सदैव शरण देने के लिए तैयार है, जैसे उदाहरण दिया मैंने ये। और सभी प्रकार से और जिन जिन भक्तों को भगवान के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, सौभाग्य मिलता है, तो वो संतुष्ट हो जाता है। भगवान को बोल के देखिए ना, एक बार प्रणाम करके बोल के प्रभु, दंडवत मारी और भगवान से कि प्रभु मैं आज से आपका हूँ, पूरी तरह से आपका हूँ और आप मेरे हैं, बोल के देखिए ना कितना संतुष्टि मिलेगी हृदय में। और रोज बोलिए, सुबह दोपहर शाम बोलिए, देखिए कितना परिवर्तन आएगा जीवन में। तो इस तरह से भगवान नारद जी ध्रुव महाराज को भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और ध्रुव से कहते हैं कि नाम जप करो, 3 टाइम संध्या करो और अपना चित्त जो है भगवान के सुंदर स्वरूप में लगाओ। और 6 महीने के बाद, 6 महीने के पश्चात भगवान श्री हरि तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। ऐसा उपदेश कर नारद जी ध्रुव को मधुवन जाने के लिए अनुमति देते हैं। तब ध्रुव नारद जी की परिक्रमा करते हैं, रोते हुए स्मरण करते हैं कि नारद जी ने परीक्षा तो ली मेरी, लेकिन अंततः मुझे आशीर्वाद दिया कि आज से 6 महीने के पश्चात मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन निश्चित होंगे। यदि हम लोग अपने आध्यात्मिक गुरु को और साधुजनों को संतुष्ट करते हैं तो उनकी कृपा से भगवत प्राप्ति बहुत ही सुलभ हो जाती है, बहुत ही सहज हो जाती है। तो नारद जी, ध्रुव महाराज के आँखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी, आनंद के अश्रु थे कि मुझे भगवत प्राप्ति का रास्ता माँ ने उपदेश दिया था, लेकिन कैसे प्राप्त करना था वो तो नहीं बताया था, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे नारद जी मिल गए और उन्होंने रास्ता भी बता दिया, अब मुझे करना क्या है ये मुझे पता चल गया। तो नारद जी का कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए तो छोटा सा बालक उनकी परिक्रमा कर रहा था और नारद जी उसके सिर से हाथ रखते हुए आशीर्वाद देते हुए, नारद जी भी गदगद होकर रो रहे थे। नारद जी कई सभाओं में नारद जी अब ध्रुव महाराज के गुणों को गाते हैं, ध्रुव महाराज चरित्र को गाते हैं कि ध्रुव मेरा शिष्य है। गर्व का अनुभूति होती थी नारद जी को, ध्रुव मेरा शिष्य है। फिर ध्रुव महाराज चले जाते हैं। तो आगे का कल सुबह। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो? जी बाबू।
साधुओं के दर्शन करने से जीव पवित्र हो जाता है। दर्शन है पवित्र करो ये तुम्हारा गुण। और वृंदा देवी की परिक्रमा क्यों करते हैं हम लोग? उनकी परिक्रमा करते हैं वास्तव में ये विधि होती है कि भगवान की परिक्रमा कर कर ये हमारा आचार्य लोग करते थे इसको। तो आचार्य ने कहा परिक्रमा करने से भगवान के प्रति प्रेम दिखाने का एक पद्धति है कि उनकी परिक्रमा करते हैं, उन्हें अपना मानते हैं। और उनकी परिक्रमा करने से जैसे तीर्थ क्षेत्र की परिक्रमा करने जैसा हो जाता है, हमारे सारे पाप ताप खत्म हो जाते हैं और उनके प्रति प्रेम बढ़ता है। और महानतम भक्त जैसे नारद जी जैसे महान भक्तों के दर्शन हो जाए, और तो जिन्होंने भगवान को हृदय में बंदी बना लिया है, तो उनकी परिक्रमा करने से उन्होंने भगवान को बंदी बना लिया, तो भगवान की परिक्रमा हो जाती है। जैसे पूरे वैकुंठ धाम की परिक्रमा हो जाती है, गोलोक वृंदावन की परिक्रमा हो जाती है। हम लोग प्रभुपाद जी की वृंदावन परिक्रमा करते हैं, तो उनकी परिक्रमा करना भगवान की परिक्रमा करना एक ही बात है, क्योंकि उन्होंने भगवान को हृदय बंदी बना लिया है। किसी को और कोई प्रश्न है? प्रश्न तो नहीं, बट कुछ विचार मन में आए हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। बोली ना गुरु प्लीज। देखो कितनी अजीब बात है, हम लोग कहते हैं हमें कहना चाहिए कि भगवान मैं आपका, और अभी ब्रजवासियों की प्रवृत्ति पे वो ही नहीं कहते भगवान मैं आपका आप हमारे हो, आप हमारे परिवार के। गैबर वन की बात है, गौर कृष्ण महाराज सुनाते हैं, एक बार राधा गोविंद महाराज गैबर वन में थे और वहाँ पर एक बड़ा बूढ़ा आया वृंदावन का, वरिष्ठ एकदम बड़ा बूढ़ा था, और हनुमान जी के मंदिर के सामने आकर ऐसे ऐसे कर रहा है, हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, अर्चना कर रहा है, चार पांच झंडे हमारे सबके, और बिल्कुल बगल में कृष्ण राम का मंदिर है। तो राधा गोविंद महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, बूढ़ा क्या कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत, इसको हम कहते हैं मस्का पॉलिश, बहुत इनको पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन साथ में कृष्ण बलराम है। बोला बाबा ये कृष्ण बलराम को दंडवत नहीं करोगे? बोले अरे इको कौन करे, ये तो हमारे गांव के छोरे हैं, इनको क्या मैं दंडवत करूं? अरे सोचो क्या भाव है उन लोगों का। हाँ, और जहाँ तक आप जब बोल रहे थे तो मुझे विचार आया, प्रभुपाद बड़ा सुंदर समझाते हैं कि बाल विवाह हो जाते थे। हाँ, 5 साल की लड़की, 6 साल का लड़का, और उसकी माता लड़की को कहती जाकर उसको लड्डू दे जाता, तो हाथ में पकड़ के लड्डू जाकर ऐसे उसके हाथ में थमाती है, तो लड़का भी ले लेता है, उसके मन में भी जरा कोई, उसको पता भी नहीं है मेरी पत्नी है ये। हाँ, मेरे नो ईगो कुछ भी नहीं है। अभी कुछ सालों के बाद लड़की आपस अपने ससुराल में आती है, और धीरे 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 वो उसकी सास कहती है जा उसको ये दे दे, उसको दे दे। 12, 13, 14 वर्ष की होती है, तो एक दिन ऐसा आता है उसके मन में लज्जा आनी चाहिए, और धीरे 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 उसी व्यक्ति की सेवा करते 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 एक आयुष भर का प्रेम जागृत होता है। वो फिर प्रेम कभी भी रुकता नहीं है ना। इसी तरह हम भी देखते हैं ठाकुर जी के पास आकर दर्शन करो तो बड़ी देर तक वहाँ से उठने का मन नहीं करता, देखते रहो सहते रहो, ऐसा होता है एक, तो ये सहज ही होता है धीरे धीरे। यही समाधि है, यही समाधि है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।